thank mm -hmm. you कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे हैरित से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ आज मैं आप लोग के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी अपनी जॉइंट फैमिली में और उसके साथ साथ अपने रूम की डीप क्लीनिंग भी अच्छा सुबह जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मेरे किचन ऐसे होता है और जब किचन ऐसे हो ना तो आप नाश्ता भी पूरी फैमिली के लिए सुकून से बना सकते हैं तो मेरी कोशिश होती है ना रात को जो है ना सारा काम खत्म करके फिर ही सो और सुबह उठ के मुझे किचन ऐसा मिले और उसके बाद जो है ना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाने लगे थे अबू थे अम्मी थी और हम सब ने पहले नाश्ता किया ये तो हमारा पहला ग्रुप है ना जिसने नाश्ता किया बच्चे और मेरे जेठ वो सोए हुए थे उन्होंने बाद में करना था तो बस सुबह उठ के सारे आठ बजे का टाइम था सब ने जल्दी जाना होता है तो समर वेकेशन में तो कोई नहीं इंजॉय कर रही क्योंकि इन्जॉयमेंट होती है थोड़ा लेट उठने से और सारा दुआ मांग मेरा अजलान? ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है अच्छा बच्चे भी उठ गए थे ना तो माशाल्लाह से मेरे बेटे को आदत है कि जब भी वो खाना स्टार्ट करता है ना वो दुआ मांगता है बस उसको ये आदत पड़ गई है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी आदत है और बस सिखाई भी जाती है बड़ों को देख के भी बच्चे सीखते हैं और अच्छी आदत है ये उसके बाद मेरे जेट भी उठ गए थे उनके लिए भी नाश्ता बना के मैं स्टार्ट करने लगी थी अपनी रूम की डीप क्लीनिंग तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले तो मैंने कपड़े इस्तेमाल स्टार्ट कर दिए जब आपके वार्ड्रॉप आपके कपड़े हर चीज़ सेट होगी तभी आप जो है ना रूम की डीप क्लिनिंग कर सकते हैं तो सारे कपड़े देखें मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए तो मेरा ये होता है ना कि मेरे वार्ड्रॉप में जो बच्चों के जो अलमारी में रश इसलिए नहीं पड़ता मैस इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं जितने भी शर्ट्स हैं ना वो सारी हैंग कर देती हूँ और जितने भी पैंट्स और शॉर्ट्स हैं ना वो सारे तय लगा के रख देती हूँ सब बच्चों के अपने अपने साइड्स पे ये सारी अलमारी मेरे बच्चों की है पहले मेरे कपड़े भी थे यहाँ पर मैंने यहाँ से ना बाहर एक साथ ही मेरे रूम के बाहर जो है ना एक अलमारी है उसमें मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना सेट कर दिए है। हैं ऊपर सारी शर्ट्स हैं वो तीनों बच्चों की और नीचे जो है ना शॉर्ट्स हैं दो बच्चों के और मेरे बड़े बेटे के जो शॉर्ट्स हैं ना वो इधर हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने की और ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई है जो रात को बच्चों को दूध के साथ देती हैं और सारा कुछ और ऑयल वगैरह मसाज करके बच्चों को रात को सर में तो फिर जो है ना मैं सोती हूँ अच्छा उसके बाद जो है ना क्लीनिंग की बारी आने लगी थी मेरी हेल्पर भी आ गई थी तो उनके आने से पहले पहले ना मैं मतलब वो तो सुबह ही आ जाती है ना जैसे हम नाश्ता करते हैं साथ ही तो मेरी कोशिश होती है ना उनके साथ हेल्प करूं फिर काम अच्छा भी हो जाता है जब आप खुद साथ होंगे और दोबारा से आपको फिर उनके जाने के बाद जो है ना दोबारा नहीं करना पड़ता तो बेड शीट जो है ना तीन चार दिन के बाद लाजमी चेंज करती हूँ और बच्चों के साथ जो है ना बच्चों का घर हो तो उसमें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छा ये टे, टे, टेबल मैट्स थे ना ये भी सारे मैंने रिमूव कर लिए थे और इसको मेरे वाशरूम जो वाश है ना अटैच वाशरूम है मेरे रूम के साथ ही तो ये जो सॉप पड़ा हुआ है ना इसी के साथ मैं इनको वॉश करूँगी बहुत जल्दी इसके ऊपर से स्टेंस उतर जाएंगे जितने भी ड्रेसिंग टेब ड्रेसिंग टेबल है और दो जो है ना साइड टेबल्स हैं उनके ऊपर मैंने मैट रखे हुए हैं उससे मेरा फ़र्नीचर जो है ना वो बच जाता है अच्छा उसके बाद जो है ना डी ए आई वाई, वाई सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बना लिया है उसमें मैंने विनेगर ऐड किया है पानी ऐड किया पानी नहीं ऐड किया सॉरी इसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है और थोड़ी सी खुशबू के लिए कंफर्ट ऐड कर दी है तो अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप वो यूज़ कर लें अच्छा सारा कुछ रिमूव करके ना मैं अपने ड्रेसिंग टेबल से तो मैं इसको अच्छी तरह से लगा दूँगी बस मैंने फ़िलहाल ना लगाना है इसको पूरे रूम के जितना भी फर्नीचर है ना दस मिनट के लगा रहे हैं जब तक बाकी सबको लगाती ना तो अगले को भी दस मिनट हो जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है ना कि सबको नाश्ता वगैरह दे कि सबके पेट फुल करके ना मैं कोई काम शुरू करूं मुझे फिर कोई आवाज़ ना देना कि मैं काम कर रही हूँ फिर बंदा एक दफ़ा काम छोड़ देना तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है तो इसलिए जो है ना सबको खिला पिला के चाय वगैरह दे के बच्चों को भी रेडी वगैरह करके ना फिर ही मैं जो है ना बाकी कोई इस तरह का काम स्टार्ट करती हूँ जो थोड़ा सा लेंथी होता है अच्छा सारे फर्नीचर को विनेगर और ऑयल जो है ना लगा के इसको फिर वाइप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप इसको वाइप नहीं करेंगे ना साफ़ नहीं करेंगे तो फिर जो है ना ग्रीसी हो जाएगा आपका फ़र्नीचर तो ऑयल से ये होगा ना सारी डस्ट आप जब वाइप करेंगे बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी अच्छा ये सारे इस अलमारी को भी हर तरफ जो है ना मैंने सारा सोलूशन ये लगा दिया था आप लोग भी लास्ट में ट्राई करें आपका फर्नीचर भी चमक जाएगा इससे अच्छा इस तरह कटावल ले लिया मैंने हल्का सा जो है ना मैंने गीला किया है क्योंकि इसको मैंने अच्छे से वाइप करना है साफ करना है मैंने इसके ऊपर जो मैंने सल्यूशन लगाया है। अच्छा स्कॉच ब्राइट की मदद से ना मैंने अच्छे तरीके से उसको पहले रब भी किया था लगाते हुए तो अब बस इसको साफ़ करना है मैंने तो जैसे मैं साफ़ कर रही थी ना तो आप चमक देख सकते हैं दूर से कि कितनी ज़बरदस्त सी चमक आ रही थी मेरे फर्नीचर में और बहुत ही जो है ना डल सा पड़ गया था मेरा फ़र्नीचर इतना टाइम था देने हो रहा है इसके ऊपर तो जब हम चीज़ों पे टाइम देना छोड़ देते हैं ना तो इस तरह से चीज़ें खराब हो सकती हैं वही हिसाब हमारा भी होता है जब हम अपने ऊपर टाइम देना छोड़ते हैं तो हम भी जो है ना इस फर्नीचर की तरह खराब हो सकते हैं तो अपने ऊपर भी टाइम दें अपने घर की चीज़ों पे भी टाइम दें और इस तरह से हर चीज़ फिर चमकती रहती है अच्छा उसके बाद जो जितनी भी चीज़ें थी ना उनको मैंने साफ़ कर लिया उसके बाद सारे ड्रॉज को भी ऑर्गेनाइज कर लिया और किस तरह से किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टेबल मैट्स भी सूख चुके थे और फिर जो है ना ये चार्जर थे लगे हुए तो ये मेरे हस्बैंड ही आके रात को ये यूज़ करते हैं तो फिर मैंने जो है ना ड्रॉ के अंदर ही रखते हैं यहाँ पास ही तो सारी सेटिंग भी हो गई थी मेरी और रूम साफ़ होना तो उससे है बहुत जो है ना बंदा सुकून पुरून रहता है सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी और हर चीज़ जो है ना नीट एंड क्लीन हो हुई थी तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियो आए अच्छा उसके बाद ना मैं आपको अपने ड्रॉज भी दिखाऊंगी कि इस तरह के पाउच मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे तो मैंने क्या किया ना ड्रॉ को मैसी हुए बगैर ना अलग अलग चीज़ें जो ना पाउच में डाल के रख दी हैं उससे जो है ना मतलब कि हर चीज़ जो है ना सामने नज़र आती है और अब आपके ड्रॉ गंदे नहीं होते हैं। मैं ड्रॉ बिल्कुल भी गंदे नहीं होने देती अच्छा इस तरह से मेरा सारा वॉड ड्रॉ भी बच्चों का सेट हो गया था अब एयर फ्रेशनर जो है ना मैं यूज़ करती हूँ सारा दिन मेरे कमरे से भी खुशबू आती है मैं इस तरह से पर्दों के ऊपर बेड शीट्स के ऊपर जो है ना एयर फ्रेशनर यूज़ कर लेती हूँ उससे जो है ना सारा दिन आ, कमरे से अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती है तो बस ये रूटीन थी मेरी मॉर्निंग रूटीन थी और ये क्लीनिंग रूटीन थी तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़